आज का वाज जो मैं होली स्पिरिट सीरीज के हवाले से देने जा रहा हूं ड्वेलिंग प्लेस होली स्पिरिट रूल कुदस का मकदस आमीन रुगेले मकदस की हिफाजत कैसे करें।
जब ये सारी टर्मिनोलॉजी जो यूज की गई है बाइबल मुकद्दस के अंदर में पता होगी तो एक उत्सुक रूहानी जिंदगी हम बसर करें। आदम को जब बनाया गया हवा को खुदा ठंडे वक्त पे उनसे आके बातचीत करता यानी शाम के वक्त, मगर उनके बदन खुदा का मकदस नहीं थे, खुदा उनके अंदर बसा नहीं हुआ था, उनसे मुलाकात करता उनको उनके साथ करता था। और उसी में बहुत उन्होंने लर्न किया, इवन तमाम जानवर के नाम पर रखा, बहुत नॉलेज आदम ईव ने हासिल किया, मगर वो एक गलत नॉलेज की तरफ बढ़ गए और फिर खुदा की हजूरी से गायब हो दूर कर दिए गए, जुदा हो गए। तो ये आदम के हवाले से कि उसमें उसके अंदर वो उसकी लाइफ खुदा का मकदस नहीं थी, वो अदन में रहते थे और खुदा अदन में उनसे मुलाकात करने आता। पर मैं आप ईमानदार मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी के अंदर रूल कुदस हमारे अंदर बसा हुआ है और उसका मकसद ये कितनी बड़ी बात, वो हस्ती जो खुदा की जात में रहती उस खुदा के तख्त के सामने वो सेवन लैंप्स उन आसमानों पर कोई जा नहीं सकता, कोई माप नहीं सकता, खुदा के अंदर जो सादिर होगा रूह कुदस वो आज मेरे आपके अंदर। आप देखिए क्योंकि आपकी मेरी क्या हैसियत, मेरा आपका क्या मकाम हम रखते हैं। अगर आज के सरमन दिग्गर सरमन सारे तालीम था, मगर ये आज जो आपकी अपनी लाइफ के हवाला से है इसमें आप देख पाएंगे कि मैंने इसको क्या समझा है, होली स्पिरिट ने क्या समझा है, खुदा क्या समझ रहा है, खुदा जहां रहता है और हम इसका क्या प्रयास कर रहे हैं, कितना इसके ऊपर हमारी तवज्जो। तुम्हारा बदन क्या तुम नहीं जानती, ये क्वेश्चन क्या तुम जानते, हाँ जानता हूं, अगर जानते हैं तो फिर पलू ससुर की तरह होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर यहूदा इस्करियोती की तरह होंगे जो दुनिया के अंदर चला गया क्राइस्ट को पकड़वाए, या थोड़ा जानते हैं तो फिर आगे बढ़िए अपने बदन की हिफाजत हमें करनी है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुदस का मकदस है, तो ये आदम के अंदर नहीं था मगर मेरे आप। कितनी खुशी बोलिए, तो क्यों वो उसने हमारा ही बदन सेलेक्ट किया, इसलिए उसने सेलेक्ट किया कि यीशु के खून से पाप धुल गया है, वो पाकीज़गी के ऊपर होता है, पाक है। और अब जब रूह कुदस खुद इसमें आ गया वो साहब और वो भी पाक है, तो गोया पाक बदन के अंदर होली स्पिरिट आके बसता, ना पाक बदनों के अंदर वो नहीं रहता। जहां बदी बदकारी होती है, झूठ फरेब बुरे ख्यालात नशाबाजियां नाच रंग अपने बदन को वो बिल्कुल दुनिया के अंदर ले जाते हैं, वहां नहीं बोलेगा, वो वहां रहेगा जो यीशु के खून से धुले। मैं आप सब धुले हैं, पाप का निकाल कर रखा है हमारे अंदर रहता है हमारा बदन, अब रूह कुदस का बोलिए तो ये वजह है वो क्या रहता है, अगर ये नहीं दो बातें होंगी तो नहीं जाएगा। अब सुनिए ये टर्म मकदस की क्यों यूज की गई, ये इस्लाम जो है क्यों इस्तेमाल की गई मकदस की। जब मकदस की इस्लाम यूज की गई तो फिर पुराने आयत नामा में हमें पता हो
کہ مقدس کیا تھا. پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں خیمہ اجتماع ملتا ہے, اور دوسرا ہے کہ یہ عبادت گاہیں, یہ مقدس مقام, یہ مقدس ہمیں ملتے ہیں. جب ان کی تعلیم کا ہمیں پتا ہوگا تو پھر اس مقدس کو بھی سمجھ جائیں. تو خدا کی ذات خیمہ اجتماع کے اندر وہ اپنی پریزنس دیتی تھی, اس خیمہ کے اوپر ابر آگ ہوتا. تو وہ مقدس جو بنایا گیا, جب ہم کہتے ہیں مقدس تو اس کا مطلب پاک, جب ہم کہتے ہیں مقدس تو یہ ہولی پلیس, خدا کی رہنے کی جگہ, ڈویلنگ پلیس. اور جب خیمہ بنایا گیا تو یہ خیمہ مقدس تھا, کہ ٹینٹ مقدس خدا کا, جہاں وہ اپنی حضوری دیتا, وہ پاک جگہ. اس کے بنانے کا نقشہ خدا نے آسمان سے اس کو دیا موسیٰ کو, کہ اسی طرح کا نقشہ جو میں تجھے دیتا ہوں بنانا, سیم نقشہ. اس کا معنی ذرا سمجھ لیں کہ جو نقشہ تجھے دکھایا گیا, یہ اگر پانچ ہاتھ لمبائی کہا گیا تو پانچ ہاتھ ہی رکھنا, اس کو سارے چار دار کر دینا یا سوا پانچ نہ کر دینا, جتنی اس کی لینتھ کو اتنی ہی رکھنا, جتنی اس کی چوڑائی اونچائی اتنا ہی. اگر پیتل کا ہے پیتل کا بنانا, اگر سونے کا کہا ہے تو سونے کا. بحث نہیں کرنا کہ یہ ایک کیوں پیتل کا اور آگے کیوں سونے کا بنوا دے, ایک ہی طرح سونے کے بنوا لو یا پیتل کے بنوا لو, یہ کیا بات ہے. جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا, جو نقشہ میرے آپ کے پاس مسیح کا اسی کے مطابق ہمیں چلنا. یہ مانی ہے جو نقشہ دکھایا گیا, جو نقشہ دیا گیا اسی طرح جو ہے یہ بن. اور موسیٰ نے اسی طرح وہ نقشہ بنایا, خیمہ بنا. عبرانی زبان کے اندر اوہل لفظ ہے, جس کا مطلب ہے ٹینٹ, ٹیمپریری ڈویلنگ پلیس. آرجی خیمہ, آرجی مقدس, آرجی یعنی ابھی لگایا تو تھوڑی دیر بعد جب اس خدا نے کہا تو اس کو اکھاڑ دیا, تو آرجی ٹینٹ. یہ نوٹ کریں, آرجی خیمہ, ٹینٹ, ڈویلنگ پلیس, آرجی, ٹیمپریری. یہ جو لفظ میں جتنا بولتا ہوں اس کو ذہن نشین کرنا, جب میں آرجی کہہ رہا ہوں تو آرجی کا معنی ٹیمپریری. بالکل ابھی آمان نے کہا ٹینٹ لگا خیمہ, تو وہ لگا دیتے عبادت گاہ بناتے, مقدس بناتے, عبادت کرتے. جب خدا کہتا اب اٹھ سے آتا تو اس کا مطلب یہ خیمہ اکھاڑو اور چلو ابھی آمان سب ہٹا کے. تو بعض دفعہ ایک ساتھ ٹینٹ لگا رہتا, بعض دفعہ ایک مہینہ, بعض دفعہ ایک دن, اور ایک دن کے بعد ان کو اکھاڑنا پڑتا. بعض دفعہ لگایا ہے تو ساتھ کا اب اکھاڑنا ہو. یہ دنیا ہم ذرا بتنے کی زندگی میں, یہ مانی ہے ہمارا پڑاؤ یہاں بختی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, آگے چلنا ہے. یہ بیابان ہے دنیا, یہاں مستقل ٹھکانا نہیں ہے. آج ہی وہاں پر مقدس بنایا گیا, ٹیبرنیکل, خیمہ اجتماع بنایا گیا, اور اس کے اندر پھر جب احباب کی کتاب پڑھے تو فائیو فولڈ سیکریفائز بتائی گئی, عبادت کے طریقے کار. پہلے عبادت گاہ کیسی آرزی بنانی ہے مقدس, پھر عبادت کرنی کیسے ہے وہ احباب کی کتاب. ہمیں پتا ہو کہ عبادت کیا کیا ہے اور عبادت کرنی کیسے ہے, یہ بائبل کے اندر تعلیم موجود. ہم اپنے طور طریقے تو اختیار کر لیتے ہیں تبھی ہم غلط تعلیمات کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ خدا مند کے کلام, اس کے فان میں بڑھنا, اور خدا شناسی ہمارے جو خدا کی پہچان, تو یہ تبھی ہوگی جب خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اور
ये वह जो था खेमा जो था टेंट मक्दिस ये टेंपरेरी था और उसके अंदर खुदावंद मूसा से साल में एक बार मिलता पाक तीन मकाम में कफारा का ऐसे वो बात की होती रहती पटरा के पीछे जब वो बहुत जलाते मगर खाना इस्तेमाल के अंदर साल में एक बार जब वो कोविडेंट बॉक्स के ऊपर ब्लड डालता तो वहां पर खुदा अपनी हजूरी उसको देता तो ये मक्दिस था मक्दिस क्या था आरती बोलिए आरती टेम्परेरी उसको खेत काट के जाता फिर लगा के जाता तो ये पाक मकान मुकद्दस जगह जो थी उसके बाद आगे चलकर फिर सुलेमान का पीरियड आया और सुलेमान ने हैकल बनाई टेंपल इब्रानी जबान में हैकल कहा जाता है और इंग्लिश में टेंपल ड्वेलिंग प्लेस मक्दिस खुदा का तो ये मुकद्दस मकान जो सेंचुरी बनाई गई वहां पर सुलेमान को भी उसी तरह जिस तरह मूसा ने खैमा इस्तेमाल बनाया पर अब ये आरती नहीं अब ये पत्थर की एक ही जगह अब देखें स्टेप बाय स्टेप अब पत्थर की हैकल बनाई गई वो एक ही जगह पर यरूशलेम के अंदर जो है उसको बना दिया गया अब ये नहीं है कि उठाओ और आगे जो है दूसरी जगह पर टेंपल बनाओ एक जगह के ऊपर उन्होंने टेंपल बना पर तो भी ये टेंपल असली नहीं असली टेंपल हेवन के अंदर ये उसका नक्शा दिया गया जमीन के ऊपर इज्तिमा का भी नक्शा है तो का भी नक्शा और ये नक्शा दाऊद को दिया गया मगर खुदा ने कहा ये हैकल दाऊद नहीं तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा और दाऊद ने कहा मैं तो महलों में रहता हूं मेरा खुदा टेंट में रहता है तो मैं तेरे लिए घर बनाऊ खुदा ने कहा मेरे लिए कैसा घर बनाए खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में तो फिर सुलेमान ने जब हैकल बनाई तो उसने दुआ कर बखूर जलाने तो टेंपल वो मक्दिस जो था वो अब आरती तो नहीं पर असली भी नहीं यानी वक्ती तौर पर वो दिया गया था कि लोग इबादत करें आकर और तरीके का दिए गए कि कैसे इबादत करनी है तो हैकल बनाई गई टेंपल बनाई गई वो मक्दिस बनाया गया और बड़ी तरतीब के साथ सुलेमान ने उसको तरतीब दिया तो ये हमें वहां पर मिलता है और वहां पर वो बखूर जलाता क्राइस्ट ने भी अपने दौर में आप यही कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को बोलिए डाकुओं की ये दुआ का घर इसका मतलब है दुआ का घर है खुदा के रहने की जगह नहीं है हमारा की किताब में जो सलातीन में वो हाथ के बनाए हुए घर में नहीं है तो जब टेंपल जो सुलेमान की थी उसमें भी उसकी हजूरी थी उसका नाम था और ये वादा किया था सुलेमान के साथ जब ये कॉविडेंट बांधा गया तो सुलेमान ने कहा खुदा से अगर तेरे लोग किसी और शहर में भी हो तो हैबल की तरफ रुख करके अगर दुआ करें तो तू इसकी सुन ले खुदा ने ये वादा जो कॉविडेंट बांध दिया फिर यहूदी अगर इराक में थे तो वो यरूशलेम की तरफ रुख करके दुआ करते और डैनियल जब असीर था वो भी अपनी खिड़की हैकल की तरफ खोल कर दुआ करता था दिन में तीन मरतबा उनको ये वादा था रुक करके अब हमें ना रुक करना पड़ता है ना बिल्डिंग्स की जरूरत है बल्कि होली स्पिरिट हमारे अंदर रहता है और वो मैं और आप हैं ये तो भी हम बिल्डिंग में बैठे हुए मगर खुदा इमारत में नहीं रहता
वो उस हैकल में नहीं रहता था तो क्या इस हैकल में रहता? लोग सोचते हैं कि बिल्डिंग कहते हैं, बिल्डिंग कहते जो क्लीसिया है वो क्लीसिया में रहता है, बिल्डिंग में नहीं। तो हाथ के बने हुए घर में वो नहीं रहता, वो उस घर में। देखो ये तो एक इंसान ने बनाया ना, मट्टी पत्थर से सीमेंट से बनाया, पर जिस घर में वो रहता है हमारा बदल। क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुदस का मक्तीस हो? ये जिसको यीशु ने अपने खून से धोया, लिखा तुम कीमत से खरीदे गए हो, ब्लड से खरीदे गए हो, पाप किए गए हो, इसमें आकर होली स्पिरिट रहता है। आमीन। तो आप देख रहे एक ड्वेलिंग प्लेस है ना, एक समान मक्तीस आज भी, मगर फिर है कौन बनाई गई पत्थर की, ना उसमें रहता तो है पर मैं नहीं जाता। मगर हम इस जो बिल्डिंग्स पूरी दुनिया के अंदर है, सब बिल्डिंग्स उनमें जो क्लीसिया मुकद्दसीन है, चाहे वो चल बिल्डिंग के अंदर हो या बाहर, या बागों में हो, खेतों में हो, मैदानों में, जहां कहीं हो, जहां कहीं दो या तीन मेरे नाम से जमा, मैं उनके बीच में हूं। तो बिल्डिंग उसे आजाद कर दी है, पर ये इसलिए बनाई जाती है ताकि क्लीसिया मिलकर बैठकर वर्शिप कर सके। आमीन। क्योंकि हैकल भी बनी थी, हैकल के साथ दूसरे शहरों में से नेको बनाए जाते थे, छोटी छोटी इबादत गाएं, और जो हैकल में नहीं पहुंच पाता था तो वो प्री छोटी छोटी इबादत गाहों में चले जाते। मगर इन खड्डों से आजाद कर दिया, जैसे यहूदी लोग वो ये तो मालूम है कि वो हैकल में इबादत करते थे, उनके बाद रहा था, अब उनके बाद द्वारे गिर गया, छोटी सी दीवार है उसी के पास वो दुआ करते तो उनके माइंड में है कि वो हैकल बनाएंगे। मगर बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट ने कहा कि इस हैकल का पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया जाता है। तो वो 70 ईस्वी के अंदर जो थी रोमन जनरल ने उसको गिरा, तो यहूदी अभी भी सोच के अंदर है, पर अब उसकी नीड नहीं है, मैं आगे जाके इंतजार करूंगा। तो ये दो इबादत का एक खैमा इस्तेमाल आरसी टेंट जो था, और दूसरा टेंपल हैकल। मगर इनमें उसका नाम था, उसकी हजूरी थी, खुद नहीं रहता था, मगर मेरी आपकी जिंदगी में खुद रहता है। आप देखिए यह मक्तिस जब रूप बसा है तो आप ये मक्तिस बन गया है, ये वो जगह बन गई है, जैसी मक्तिस थे ओल्ड टेस्टामेंट में आती थे, पर उससे बेहतर अब सही आकर मक्तिस बना जो मैं बाइबल मुकद्दस के अंदर नजर आता। पर उस दौर के अंदर जब हैकल बनाई गई तो बादशाहों ने ठीक तरीके से उस हैकल को मेंटेन उसको नहीं रख पाए, ना उसके इंतजाम चला पाए, ना नबियों ने, ना काहिनों ने, ना कौम ने। आप काजियों की किताब पढ़े तो लिखा हर एक के अंदर जो उसको अच्छा मालूम होता था उसको बेहतर लगता है। तो आज भी यही होता है कि मानदार हम बन जाते हैं, पर हमें जो लगता है ना करें वो करते, ये नहीं कि बाइबल के मुताबिक करें। क्लीसिया को साथ मिलते पास्टर दावेदारी में थी, ये नहीं है आज जो जमाने की तरह। आज जो अपने माइंड के अंदर आता है वो ये नहीं कि अपने सीनियर से पूछे, इतना दूरी इतना ना समझी है कि हम सोचते हैं हमें मालूम। तो याद रखिए काफियों की किताब के अंदर ऐसी बेतरतीबी थी कि वो कौन अंदर को लीडर नहीं था, काफी के खुदा में बता। फिर आगे चलकर जब हैकल बन गई तो हैकल में जाकर इबादत ही नहीं करते,
ऊपर धूल पड़ना शुरू हो गई। खुदा की जो शरीयत की किताब थी वो घूम गई किसी जगह के ऊपर अंदर, वो यूसिया के दिनों में आकर इनको मिली और लोगों ने आपको कहा जो मरम्मत कर रहे थे आपके घर की, उन्होंने कहा हमें किताब मिली है। उसने कहा पढ़ो, वो खड़ा रहा और बुक पढ़ी जाती रही। आजकल जो हम बात सुनते ना, आप बैठे तो मैं खड़ा हूं वहां पर अजरा कलाम साहब का जमात खड़ी है चाहे दो घंटे की, क्यों भाई मुझे ऑनर है। अगर बैठे तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑनर है, ऑनर पर मैं उसको तो यूसिया खड़ा रहा, किताब पढ़ी जाती रही। जब किताब खत्म होगी तो उसके अपने कपड़े कि हमारे लोगों ने कलाम पे अमल ही नहीं किया, जाओ जाके किसी से पूछो। फिर खुदा नबिया उन्होंने जाकर पूछा, खुदा नबिया ने बताया कि ये बर्बाद हो जाएगा, ये तुमने बहुत गुनाह किया। और हिजकिया बादशाह इन लोगों ने इनके फसा बनाई, यूसिया ने फसा बनाई, मगर दीगर जो बादशाह थे यहूदा थे ज्यादा तादाद इसराइल की, उन्होंने खुदा की इबादत नहीं। आज हम लोगों से कहते हैं इबादत में पहुंचो, नहीं पहुंचते उसी तरह के थी, उसी तरह बल्कि उससे भी आगे चले गए, क्योंकि उनके लिए तो अभी क्राइस्ट नहीं था, इनके लिए तो क्राइस्ट भी आ गया और क्या आ गया। तो दिल फटता है जब खुदा उनके दूरी में दिखता नहीं, नजर आखिर बादशाह उस दौर के अंदर यहूदा का बादशाह, उसने बहुत बुरा काम किया और हैकल के अंदर उसने खुदा के मजबा को जो पीतल का मजबा था उठवा कर गैर महबूद का मजबा रखा। मकदिस खुदा का और मजबा किसका रखा? गैर महबूद का। और वह असूर हो गया जो बादशाह था सीरिया का, उससे मुलाकात आखिर करने गया और वहां उनका उनके बाबूद का मसला देकर उसने कहा ये मसला हमारे वहां होना चाहिए। और उसने कहा मैं यरूशलेम वापस आऊं, मेरे पहुंचने से पहले पहले इस तरह का मसला नक्शा भेज दिया बना देना, और वो जो पीतल का मसला जिसमें सोपती कुर्बानी गुजारी जाती है उठाकर सहते कर दो, जो नक्शा आसमान से आया उसको पीछे कर दो, जो नक्शा मैं सीरिया से भेज रहा हूं इस तरह का नक्शा बनाकर वो मसला बना लो। तो यह कहेंगे आप इस बादशाह के पहुंचने से पहले पहले खुदा के मकदस के अंदर हैकल के अंदर पीतल के मसबे को जिसपे सोपती कुर्बानियां नजर की कुर्बानियां सलामती की कुर्बानियां गुजारी जाती थी उस मसबा को उठाकर शमाल की तरफ रखवा गया और गैर माबूद का मसबा उसने जहां खुदा का मसबा था वहां रखवा। ये आज मकदस के अंदर ये सर्वकप बिल्कुल खुल जाएगा। उसने ये बहुत गुस्ताखी की, शैतान की हरकत की, बादशाह ने खुदा के नक्शे को उसकी तालीम को उसकी इबादत के तरीके काल को बदल दिया और गैर माबूद का मसबा फिट कर दिया। और क्या कहा? उसने कहा मेरी सारी कुर्बानियां इसके ऊपर गुजारी जाएंगी जो उसने गैर माबूद का मसबा अंदर रखवाया। फिर कहा कौम की भी कुर्बानियां इसी में चढ़ेंगी, सौ की कुर्बानी सुबह की शाम की सब चढ़ेंगी। और फिर कहता है वो जो मसबा खुदा का था वो मेरे सवाल के लिए होगा, यानी मैं अंदर आकर सवाल करूंगा तूने मुझे क्या दिया है, देख तेरी हैसियत कहां है। ऐसे नहीं यहूदी तितर बितर हो गए, ऐसे नहीं उन्होंने मारे खाई, ऐसे उनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं बजा उन्होंने खुदा की बेहरमत खुदा के मसबा को वहां से उठवाया और हर तरह की हलाकारी बदकारी गैर मकूदों की प्रस्तुति
خراب کی پرستش سورج دیوتا کی پرستش ملوک پلکوم کی پرستش مولک کی پرستش بال کی بالین کی پرستش وہ کہنے لگے اونچے مقام بنا لیے پہاڑوں کے اوپر وہاں جا کر یسیر پہ کھڑی کر دی درختوں کے نیچے ان کے لیے قربانیاں گزرانے لگے وہ خدا کی پرستش سے ہٹ گئے وہ مقدس وہاں قبائی بنا پڑا ہوا ہے رکھنے پڑ گئے حیدر کے اندر دھول پڑی ہوئی ہے کوئی خادم نہیں ہے کوئی عبادت نہیں کروا رہا ہے آج ہم دوسروں ان تمام چرچز میں جہاں کلام سنا کرتے ان کی بھی بے قدری کرتے چار باتیں کرے تو ان کو کچھ نہیں ہو تو آج اس بادشاہ نے بے قدری کی اور وہ ملک پر جو تھا برباد ہو گیا اسیر ہو گئے وہ مقدس شاید بابل نے اس کے تمام چیزیں نکال کر وہ بادشاہ کر دیا تو یہ آخر بادشاہ نے کیا تو یہ خیمہ اجتماع وہ تو ختم ہو گیا جب یمن کے کنارے میں پہنچ گئے جب ہیکل بنی تو بھی انہوں نے ٹھیک بھی تھے تو یہ دو مقدس تھے خیمہ اجتماع اور ایک بولیے ہیکل خدا نہیں جاتا تھا حضوری دیتا تھا وہ بھی جو عبادت کرتے تھے پر انہوں نے عبادت کی نہیں وہ مقدس ہی برباد ہو گیا کنہوں نے کیا غیر قوموں نے پر سنیے اب پلوس پہلا کرنتھیوں تیسرے باب کے اندر لکھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو گھنے باتیں میرے حوالہ پڑھا پر تیسرے باب میں آگے لکھا جو میرے مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد تو اس وقت کیا انہوں نے مقدس کو برباد بابلیوں نے خدا نے ان کو بھی برباد کر دیا کہ انہوں نے مقدس برباد کیے پر آج کا مقدس تو اس سے آگے ہے وہاں تو حضوری تھی یہاں وہ خود رہتا ہے اگر کوئی میرے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا بولیے اس کو برباد کر دے گا کیا برباد کرے گا غربت میں لائے گا بیماریوں میں لائے گا کوئی کہے گا میرا دل بیٹھ گیا کوئی کہے گا میرا کڈنی فیل ہو گیا کوئی کہے گا مجھ سے جلد نہیں آیا جاتا برباد کرے گا نا کیونکہ انہوں نے اس مقدس کو برباد کر دیا ایک تو خدا کے پاس نہیں ہے ایک تو وہ لوگ ہیں نا جن کو وہ مقدس ہی نہیں ہے تو جن کا مقدس بن گیا اگر وہ برباد کریں گے کیا لکھا خدا ان کو برباد کر لے گا کیا تم نہیں جانتے یا تو جانتے یا تو نہیں جانتے تو بتائیے جانتے تو جو نہیں جانتے ان کو وہ بتاتا ہے اور جو جانتے وہ اگر اپنے اس مقدس کو برباد کر رہے ہیں یہ سینکٹری جو ہے یہ مقدس مکان جو ہے یہ اب اوہد نہیں ہے خیمہ تو ہے ویسے تو یہ ختم ہو جانے والا آج ہی ہے خیمہ مگر بائبل مقدس کے اندر عبرانیوں کے خط میں لکھا وہ جو خیمہ اجتماع کا روح القدس کا اشارہ ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں وہ تو ختم ہو گیا یسوع کے خون سے اور عبرانیوں میں باب میں لکھا ہے وہ بزرگ تر پاک تر خیمہ کی راہ سے یعنی اپنی جان قربان وہ بھی خیمہ ہے یسوع میں بھی خیمہ ہوں وہ بھی وہ بزرگ خیمہ ہے پاک تر اپنی ہی قربانی دے کر ہیون کے اندر چلا گیا وہاں جو ہینکل ہے وہاں جو اصلی ہے داؤد اس کی طرف رک کر کے دعا کرتا ابھی ہینکل نہیں بنی کہتا ہے میری مدد رب میری کمر آسمان پہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف آسمان کی طرف اٹھاؤں گا اس ہینکل کی طرف مگر جب لکھا کہ روح القدس کا یہ اشارہ ہے تو ہولی اسپیرٹ سیریز کے اندر مقدس کی بات کر رہے ہیں تو آج ہمیں پتا چل رہا کہ میں آج مقدس ہے روح القدس کا تو اشارہ دیا جب تک وہ مقدس ہے تو پاک مکان ظاہر نہیں ہوا وہ ختم ہو گیا ہے
और नूर कुदस का शाला ये है कि जिसमें मैं रहता हूं बोलूं नूर कुदस का शाला जब तक है ना इत्मा का वो पाक मकान खड़ा है अभी पाक मकान की राजा है अब अभी नूर कुदस यहां आ गया है उसमें नहीं था यहां आ गया है वो खत्म हो गया है ये बन गया प्रेज़ द लॉर्ड ये इशारा होली स्पिरिट सीरीज में होली स्पिरिट फरमा रहा है जहां मैं रहता हूं वो मकदीस है प्रेज़ द लॉर्ड वो मकदीस है जहां आके रहता है ये मेरी आपकी हैसियत है ये मेरा आपका मकान है ये मेरी आपकी जगह है लिहाजा जो इस मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद कर दूं इसलिए वो कहता है हरामकारी से बचे रहो बुत परस्ती से बचे रहो अपने बदलों को काबू करो शिकंजा के अंदर यहां रूह कुदस है ये मकदीस है ये आपका बदन नहीं है ये आप अपने नहीं है खून से खरीद दिए गए हैं मेरा बदन मेरा अपना नहीं है ना ये आदम से है ये यीशु के खून से खरीदा गया है अब ये मसीह का क्या तुम नहीं जानते कि ये मसीह के अज़ा है मसीह के बदन के मेरे अज़ा नहीं मेरी बॉडी नहीं मेरा दिल नहीं नहीं मेरा नहीं है और आपकी बॉडी आपकी है नहीं आपकी नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड मेरा आपका बदन ये अज़ा मसीह के है कोई मसीह के अज़ा को लेकर कस्बी के अज़ा ना कस्बी का मतलब दुनिया दुनिया के साथ स्पिरिचुअल अडल्ट्री मत करे और फिर टर्म भी यूज करता है अडल्ट्री के हराम करने के हवाले से जो कस्बी से सोबत करता है एक जिस्म तो कोई इन अज़ा को ना इसमें बदकारी आए एक एक उस ये मकदीस है ये मेरा नहीं है ये रूह कुदस का है ये टेंट नहीं है ये सुलेमान की हैकल नहीं है ये होली स्पिरिट रहता है यीशु ने बनाया है हर एक पत्थर मिलकर पत्रस के खत में लिखा है जिंदा पत्थरों की हैकल पर चले जाते हैं जिसकी बुनियाद पेट्रा है क्राइस्ट है वो रॉक है पलूस भी कहता है कि सब मिलकर मिलकर रूह में खुदा का मकदस बनते जाते हैं हमारी अब हम सिंगल भी अमानत है होली स्पिरिट रहता है पर एक दूसरे के साथ मिलकर ये एक मस्कन खुदा का बनता जा रहा है रूह में इस तरह इसको लेके चले ये नहीं है खाओ पियो ऐसे करो ना खुदा की फिक्र ना गुलाम की फिक्र ना रफाकत की फिक्र बस मौज मेले रिश्तेदारियां सालगिरह शादियां इनकी तरफ हम भी हर जगह फंक्शन पे जाते हैं मगर कभी नागा हमारा देखा कभी सुना बाहर के मुल्कों से जाते आती नहीं जाते खुदा के लोगों की आपकी खिदमत के लिए यहां बैठे हुए हैं कभी हिल स्टेशन पे भी जाते देखा नहीं जा सकते जा सकते मगर वक्त नहीं है इन मकदस की फिक्र के अंदर लगे रहते हैं इनकी तामीर के अंदर लगे रहते हैं ये नहीं के मत जाए जाए पर संडे को मत ये खुदावंद की बात गा के अंदर वक्त के ऊपर खुदावंद की बात बाकी दिन नहीं बाकी दिन दुनिया में वहां से काटा नहीं जाता दिन वहां पैसे कट जाएंगे क्या से जिंदगी कट जाएगी यहां से तारीख की कमी आ जाएगी यहां से अपने मकदस को बर्बाद कर देंगे जो मेरे मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा ये मसीह के अदा है आमीन ये बॉडी मकदस है इसलिए मैंने ये टर्म पीछे समझाई कि इस टर्म की समझ आ जाएगी आख इसने वहां पर और मजबा बना दिया यहां पर यीशु का मजबा
مذبح رہے گا یہاں پر شیطان کا مذبح نہیں اب سنیے ذرا اس مقدس کے اندر کیا تھا ڈور یسوع نے کہا دروازہ میں ایکٹر کا دروازہ ہے ایم آئی کا دروازہ میں کلیسیا کا ڈور مسیح ہے آمین اس ڈور کی جگہ کوئی اور ڈور نہیں رکھ سکتا تو آج کا مقدس اس کا ڈور یسوع ہے آمین دروازہ آگے چلیے پیتل کا مذبح جہاں پر سب کی قربانیاں برڈ آفرنگ چڑھائی جاتی تھی میل آفرنگ نظر کی قربانی پیس آفرنگ چڑھائی جاتی تھی دے نائٹ ہیون کی آگ اسے جلاتی تھی اس مذبح کو آخر میں اٹھایا یہ مذبح بھی میرے اندر اس مقدس میں بھی ہے بس حمد کی قربانیاں ہونٹوں کا پھل خدا ان کی حضوری میں شکر گزاری ہمیں روز بتاتے ہیں یہ اندر بھرے ہوئے پھر آگے چل کر تو یہ پیتل کا مذبح شکر گزاری بھی تابے داری بھی راستبہ بھی ادا کرتا ہے آگے کون سا پیتل کے مذبح کے بعد پیتل کا حوض جہاں پر پاؤں دھوتے یہ پاکیز کی کلام کو ظاہر کرتا خدا کا کلام ہمارے اندر ہو تاکہ مکمل ہولی ہے استعمال ہے یہ مقدس اس کی حفاظت کریں رات بازی پاکیزگی میں اور آگے چلیے پاک مکان کے اندر ہولی پلیس کے اندر وہاں بخور کا مذبح وہاں شمع دان ہے شمع دان نور روشنی دیتا یسوع بھی نور ہے میں بھی نور ہوں یہ خیمے کلیسیا تعلیم سے منور ہے اور آگے سونے کی میز کی روٹی یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں وہ کھانے کو دیتا ہے وہ ہمیں سیر کرتا ہے اس کا کلام وہ زندگی کی روٹی روز مقدس کے اندر کھائیں آمین یہ مقدس کی ڈم میں اپنی زندگی سمجھیں آگے چلیے باخور کا مذبح پھر بدلا پھر کووینٹ باب تو مقدس ہے نا تو اس میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کووینٹ باکس کے اندر تختیاں پڑی ہوئی تھی اور پالوس کہتا ہے اب تختیاں خدا کے احکام ہمارے دل کے اوپر لکھ گئے یہ مقدس ہے اپنا ہارڈ کلام اس کے اوپر پورا لکھا ہوا ہونا چاہیے آمین پورا کلام اندر کلام سے بھرے ہوئے یہ مقدس ہے اس میں پورے احکام بھرے ہوئے ہونے چاہیے اس کے مطابق ہم چلتے چلے جائیں اور بخور کا مذبح بولیے کس کا دعا مذبح لکھا جو خداوند کی صحبت میں رہتا جو قسمی کے ساتھ صحبت کرتا ایک جسم ہوتا جو خدا کی صحبت میں رہتا روح قدس سے ایک روح ہو جاتا ایک روح ہوئے ہیں کبھی پیتر کے مذبح پر پیتر کے ہوتھ پہ شہدان کے ساتھ خدا کی صحبت میں رہیے یہ ایک روح ہونا ہے اور جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر آہے بھرتا وہ سے جملہ سنیے شفائے ہولی اسپرٹ ہماری روح کے ساتھ مل کے کرتا ہماری روح کے ساتھ ایک روح ہو جاتا شفائے کا وقت دعا کا وقت ایک روح شفاعت کرنے کا وقت دعا کرنے کا وقت ایک جیسے کوئی دو بدن ایک بدن ہسبینڈ وائف ایک بدن ہو جاتے ہیں دعا کا وقت شفا کا وقت بولیے ایک روح ہونا دیکھیے ہولی اسپرٹ آہے بھر رہا ڈب سے تشبیہ دی جاتی ہے کبوتر سے جب عام کبوتر عام ڈب بجن عام جو اٹھتے گھروں جب اپنے ساتھی کے قریب ہوتا ہے تو آہوں کی آواز نکالتا لوگ کہتے ہیں یہ کیا منوسی آواز نکال جب وہ فیمیل کے قریب ہوگا تو وہ آواز نکالے گا جب یہ قدس ہمارے ساتھ ملتا ہے تو وہ آہیں دعا کا بولیے ایک
आप कितना आप देखें हर रोज एक रूप कितना होते हैं। हस्बैंड वाइफ को पता नहीं जिसम कब होते हैं, तो एक रूह होने का भी मैं बताइए कि होली स्पिरिट के साथ एक रूह, उसके गीत गाना एक रूह, कलाम पढ़ना एक रूह होना, गवाही देना उसकी गजबा देना एक रूह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने ऐसा ये मसीह के ऐसा है कोई कसरी के ऐसा ना बना दे, आपने बदल ये मेरे मेरा नहीं, तुम आपने नहीं कीमत से खरीदे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने बदलों आगे में सुनिए, अपने बदलों से सुनिए, फिर मकदस की बात आएगी। मकदस में मूसा ने पीतल का मजबा और पहुल का मजबा प्रोविडेंट बॉक्स चलाना रोटी रेत पर्दा ऐसे में उसे दरवाजा का पर्दा है। 50 बार आप पढ़िए राइट करो तो लिखा है जब है तुम्हारा मुकम्मल हो गया इसी तरह है पर के अंदर पीतल का मजबा दूसरी चीजें रात दी गई लिखा जब कंप्लीट कर दिया तो खुदा का दीवार उसके ऊपर आ होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। अपने बदन से जलाल साहिल करो, ये बदन आपका नहीं है। बार बार कह देता हूं आपको, क्या तुम नहीं जानते ये यीशु के खून से खरीद लिया गया है, रुक मत बसता है, ये अब टेंपल है, टेंपल का टेंपल होने से ये मंदिर से ये सेंचुरी है, ये नहीं जानते, और अगर पता है तो इसको तो कोई बर्बाद करेगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और हिंदी नबी की किताब पर सुनिए, पिछली हैकल की रौनक पहली हैकल की रौनक से ज्यादा होगी। पिछली हैकल यानी अब ये कंसिया यहूदी बनाना चाहते हैं, अब बनाने की जरूरत नहीं, पर्दा तो फट गया हुआ है कल वहां, तो आप जरूरत नहीं रही उसी की कुर्बानी के बाद हैकल बनाने की, पर वो बनाना चाहते हैं तो वो खुदावन की तरफ से नहीं होगी, हैकल बन गई और वो क्रिश्चिया है, मैं आ फिर कुदरत का मत इसमें रू रहता है चाहिए, मामूली चाहिए, जो कुछ बनते लेना चाहते हैं वो इसी हैकल के अंदर आप ढंग से खुदा के साथ जाइए, उसकी इबादत करें, बस उन्हें अदाई से बता दे इसको, फिर सब चीजें मिलना शुरू हो। आमीन। जो चाहो मानो वो हो जाएगा। ये वही प्रेस है, ये रूह कुदस का मद्दिस है, रूह कुदस इसके अंदर बसा हुआ है, बस इसे न भाग शुक्र करें, उसके साथ एक रूह होकर रोज दुआ करें, गीत गाएं, शुक्रगुजारी करें, इबादत करें उसके साथ है, और कहे तेरा शुक्र हो, तू उसमें रहता है, तूने इसे मकदस बना दिया है,
मैं इस मुकद्दस की हिफाजत करूंगा और तेरा शुक्र करूंगा, इसको नापाक नहीं होने दूंगा। बस अपने बच्चों से खुदा के नाम को जला दो। शक्ति से जब है तो मेरा भी तो जला छा गया। जब शक्ति से रूहानी तौर पर अमल करना शुरू करोगे तो जला जाए। आइए